यो भाई लो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग गाइज यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले आरिश खान की हमारी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो में गाइज हम जो करने वाले हैं, हमारे पीछे चार बाइक्स हैं, ठीक है, जिनके वर्ल्ड वाइड फास्टेस्ट बाइक्स में नंबर जो है चलते हैं दोस्तों। ठीक है, नंबर वन पे मुझे पता है कौन सी है, आप बताना। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है BMW S1000RR। ठीक है, बहुत अच्छी बाइक है। और मैं आपको बता दूँ, जितनी भी चारों की चारों मोटरसाइकिल दिखा रहा हूँ, चारों की चारों फुल अपग्रेड बाइक्स हैं। सब में सेम टायर, सेम व्हील, सेम वो सब कुछ, इंजन फुली अपग्रेड है। जो जो गाड़ी के साथ मिलता है, आपको अपग्रेडेशन जहाँ तक हो सकती है पूरी करा रखी है। यह BMW S1000RR फुली अपग्रेड है। वही व्हील्स देखो, सेम व्हील्स आपको सारों बाइक में मिलेंगे। फिर आती है यामाहा R1। लॉर्ड लवर का, यहाँ पर प्रो लवर या लीवर है कुछ ऐसे ही, या लाइवर जो भी है उसके वो मिलता है। बाकी टायर्स आप देख लो, सेम फुली अपग्रेड गाड़ी है दोस्तों ये भी। ठीक है, फिर आती है निंजा H2। ठीक है, ये बेसिकली निंजा H2R है। जी हाँ, मैं इसका नाम निंजा H2 ले रहा था, H2R है। ठीक है, टर्बो चार्जर आपको इस गाड़ी में मिलता है, सब बढ़िया लग रही है एकदम बाइक तो, है ना। पीछे से भी ये फुली अपग्रेड है तीनों बाइकों के। फिर आती है यहाँ पर सुजुकी हायाबूसा, ये भी फुली अपग्रेड है ग्रीन कलर में। तो तीन बाइक्स में फुली अपग्रेड होने के बाद यहाँ पर टेल लाइट, जो टेल होती है वो हट जाती है, बस इसमें लगी रहती है निंजा H2 में। अपना अपना हिसाब है भाई। तो सबसे पहले इनकी टॉप स्पीड वगैरह चेक की जाएंगी, टॉप स्पीड से पता चलेगा। सबसे पहले आती है S1000RR, और बिल्कुल स्टॉक चलाऊंगा, कोई भी मोडिंग नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको वहाँ नीचे आपको स्पीडोमीटर में यहाँ पर आपको स्पीड वगैरह सब दिख जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट की जाए। 3 2 1 चलो। पिकअप काफ़ी अच्छा है, 200 क्रॉस कर गई बाइक, काफ़ी अच्छा पिकअप है, ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है। हमें देखेंगे मैक्स कहाँ तक पहुँचेगी बाइक। और राइट, तो मैक्स 270, 71, 72, 74, 76, 78 स्पीड पे आप नज़र रखिएगा दोस्तों। 80, 82, ओके, 88, 89, 290, फ़िलहाल 290 तक अभी मैक्सिमम गई है, 290 अभी तक टॉप एंड गई है, 290 अभी भी 90 ही गई थी, अभी भी 290 ही गई थी, 280 प्लेन रोड पे 280 है, 82, 83, 84 थोड़ा सा ढलान आ जाए तो 90 तक चली जाती है। सही है, ऐसे व्यू काफ़ी सही आता है, सही है। इतनी हाई स्पीड में विली लगती है गाड़ी की, सही है, कैसे भी कर लो कंट्रोल होती है, सही है, काफ़ी प्यार से उठती है, सही है भाई। 290 टॉप स्पीड रही इसकी, ऐसे ज़्यादा तेज स्पीड पकड़ती है गाड़ी, सही है भाई। अब वो तो गाड़ी गाड़ी के ऊपर बात है, अब जितना झुक के तुम चला के 264-265 वही 80 तक जाएगी गाड़ी, सही है। मतलब एक टाइम पे चलने के लिए 276 की स्पीड इसने पकड़ी, 277, 78, वही 80-90 तक ही जाएगी दोस्तों, 90 तक ही जा सकती है। ढलान आ गई यहाँ पे तो 86-87, फिर थोड़ा ऊपर पे कम हो जाएगी स्पीड, कम हो जाएगी, 280 आराम से जाती है भाई, अगर मेनली फ्रैंकली बोला जाए तो। अगर कुछ ज़्यादा ही तुम्हें भगाने की चुल है तब तो 90 इतना ही भागेगी गाड़ी, इससे ऊपर नहीं भाग सकती, चढ़ाई होगी और 70-75 पे आ जाएगी गाड़ी, 275 इतने पे आ जाएगी गाड़ी। अब तुम देख लो, ये इसकी टॉप एंड है, सही है भाई। अब देखो दोस्तों, जो जितना यहाँ पर होता है उतना ही दोस्तों यहाँ पर दिखाया भी जाता है, ठीक नहीं, चलो चलते हैं पीछे।
चलो भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त रही और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। ठीक है चलो, अब इस बाइक को खड़ी करते हैं। अब आएगी यामाहा R1 की बारी। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर आ चुके हम यामाहा R1 के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत गाइस बाइक जो लगती है। चलो, एकदम इसका इनिशियल पिकअप नहीं है, 100 पे तो एकदम पहुँचती है गाड़ी। एग्जॉस्ट नोट इसका भी सही है, पावर ट्यूनिंग तो करती है, पहुँच गई गाड़ी उसके ही बराबरी करेगी यार। अच्छा, ये 60 पे ये टकरी है, वो उसी पहुँच गई थी यहाँ पर। ये धीरे धीरे पकड़ रही है स्पीड, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। 90, 91, 92, 92, 92। ऑल राइट, समझ गया मैं, समझ गया। 92, 92, 91, 92। ठीक है, उससे ज़्यादा पावरफुल है। असल में R1 है यार, R1 का नाम बहुत चलता है दोस्तों मार्केट में, बहुत ज़्यादा नाम चलता है R1 का। ऐसी वैसी बाइक थोड़ी ना R1, बहुत नाम चलता है गाड़ी का। हाई स्पीड पर ट्रैक्शन कंट्रोल रहता है तो बाइक को उठ भी नहीं सकती, डमाडोल नहीं होती बाइक। ये गिराएगी भी नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल लगा हुआ गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी को वहीं के वहीं जमाए रखता है। ठीक है, ना आगे नहीं देता ना पीछे होने देता, सही है भाई, ये चीजें तो होनी भी चाहिए दोस्तों, है ना। भगाते हैं दोबारा से, ओके भगाई जाए दोबारा। ठीक है भाई, भाई साहब 250 की स्पीड पकड़ रखी गाड़ी ने, सही है सही है। ओ भाई साहब सही है, आवाज डर ऐसी है इसकी, अब सही है। जैसी भी है दोस्तों, ठीक है कोई नहीं, होता है। चलो अब जल्दी से, ओ भाई साहब, ओ भयंकर, सही है यार, पर कुछ ज़्यादा ही वो नहीं हो रहा, डेंजरस सी है। चलो चलो चलो, 278, 281, 282, 284, वही हिसाब बैठेगा दोस्तों इसका भी आकर, इसका भी आकर वही हिसाब बैठेगा बाइक का। हाँ अब देखते हैं, धीरे धीरे रुक जाएगी अपने आप, इंजन ब्रेकिंग से भी गाड़ी रुकती है। बड़ी जल्दी रुकी, ठीक है, इंजन ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, सही है। आई लाइक दैट बाइक। ओ ऐसे गिरते भी हैं भाई बाइकों पे से। चलो दोस्तों, अब यहाँ पर ट्राई की जाए निंजा H2, निंजा H2 को ट्राई करते हैं। वी हैव निंजा H2, जिसको वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मोटरसाइकिल कहा जाता है, पता चल जाए क्या एक मिथ है या क्या है। मिथ नहीं है, बहुत पावर है, एरोडायनेमिक भी है गाड़ी, और क्या चाहिए भाई। ये बस 300 टच होती होगी, ये इससे ज़्यादा तो और एक बाइक से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बस इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो है मीटर कंपनी की, उससे वैसे सरकार वो ना देख ले, इसलिए उससे इतना कम देते हैं। नाइन्टी फाइव जाती है, थोड़ा सा ही फ़र्क है यार इन सब बाइक्स के अंदर, ये 95 जा रही है 295। मैक्सिमम बाइक जो है दोस्तों 300 टच कर पाती है बस, उससे ज़्यादा तुम किसी बाइक से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। निंजा H2 आप सभी लोगों के सामने जीता जागता उदाहरण देख रहे हो, अब बहुत भारी है, अब बहुत प्यार से चलानी पड़ती है गाड़ी को, देख रहे हो।
इसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल तो आता ही नहीं, उस पर बाइक का टायर नहीं उठ सकता। सही है, उठाने का भी ट्रैक्शन कंट्रोल है गाड़ी में भाई, ऐसे का भी ट्रैक्शन कंट्रोल है। देखो हाई स्पीड पे जब हो जाती है ना गाड़ी, खुद बैठ जाती है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल भी होता है और एक मतलब ही जो एक टायर उठ जाता है ना बाइकों का और गिरती हैं, वो भी होता है। देखो जैसे बाइक हाई लो स्पीड पे गाड़ी उठ जाती है, देखो उठ गई ना, कितनी उठ गई। और जैसे ऐसे हाई स्पीड क्रॉस करेगी ना बाइक, नीचे आ जाती जाएगी अपने आप ही, आ गई, अब नहीं उठेगी चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जोर लगा लो नहीं उठेगी। ऐसे चला लो, एक रास्ता हो दिल लगी 96 296 क्रॉस कर दी भाई इसने। वैसे इतनी हाई स्पीड पर गाड़ी निकल भी जाए ना, कोई दिखती भी नहीं दोस्तों। हाँ एक्सीडेंट हो जाए वो बात अलग है, बाइक वहाँ जा के गिरेगी वहाँ जाकर, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, 296 टॉप एंड थी। हायाबुसा को ट्राई करते हैं। हायाबुसा H2 का नाम ऐसे ही है, हायाबुसा वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक है और आज मैं साबित। नाउ वी हैव हायाबुसा, और भाई हायाबुसा का वाकई में नाम चलता है, ये मैं नहीं कहता है, ज़माना कहता है, हायाबुसा का चलता है नाम। बैक फायर देख रहे हो, चलो मेरी फेवरेट बाइक है ना, मुझे H2 पसंद है, मुझे हायाबुसा पसंद है। हंसी मजाक में इसने टॉप स्पीड देखो 200 क्रॉस कर दी हंसी मजाक में। अब इंजन की प्रॉपर रेस भी दी मैंने, अब देता हूँ स्पीड देखना। हायाबुसा ये हराएंगे निंजा H2 से। टॉप स्पीड क्या है 371 की टॉप स्पीड है इसकी जो इसने अभी तक अचीव करी है। नॉर्मल चलती है 370 पे, 71 ही वो करी है इसने। इतनी हाई स्पीड पर अगर कोई गिर भी जाए ना भाई, बोटियाँ भी नहीं मिलेंगी उसकी, देख रहो भाई साहब। इसके अंदर भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा और बहुत प्यारा वाला मिलेगा। अगले ब्रेक कैलिपर ब्रेक खोल देते हैं, इसकी भी हाई स्पीड होने के बाद खुद गाड़ी बैठती है, पर इतनी जल्दी नहीं बैठती है ये। भाई कहती है चला मुझे, चला कहती है चला मुझे, ये कहती है चला मुझे, वो देख कहाँ गिर के गई है दोस्तों। तो भाई हायाबुसा इज द विनर, आप सभी लोगों को भी दिख ही रहा होगा हायाबुसा भाई एकदम नेक्स्ट लेवल बाइक है। बाकी आप यहाँ पर कौन सी बाइक के लवर थे और आपने क्या देखकर वीडियो को देखा, प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। तो भाई हायाबुसा यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है और हायाबुसा मुझे अच्छी भी लगी, ठीक है। बाकी आपका क्या कहना है प्लीज़ एक बार कमेंट करके जोर से बता सकते हैं। बाकी यार मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।